प्रकाशन संस्थान पिछले 36 साल के करीब से सक्रिय है प्रकाशन में, और कम्युनिस्ट साहित्य, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे क्षेत्र हैं। और पिछले बीते कुछ वर्षों में हमने अनुवाद के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, जो कि मतलब अभी तक हिंदी क्षेत्र में नहीं संभव था। हम लोगों ने चीनी साहित्य, स्पेनिश साहित्य, सिंगली साहित्य श्रीलंका से, और रशियन साहित्य में तो हमारा एक लंबा चौड़ा कैटलॉग पहले से ही था। हमने डायरेक्ट चाइना में पब्लिशर से जाके संपर्क किया, वहाँ से उनका साहित्य लिया। चीनी में, चाइनीज़ में क्या क्या आपने छापा? चाइनीज़ में जैसे कि तिब्बत के बहुत चर्चित लेखक हैं समकालीन आलाय, उनकी दो रचनाएं जिसका हमने अनुवाद करवाया है, लाल पोस्ते के फूल, इसका इंग्लिश है द रेड पॉपीज, और एक द हॉलो माउंटेन्स, खोखला पहाड़, ये दोनों किया है। और मतलब ये प्रयोग नया है, अभी सेल की दृष्टि से अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक चाइनीज़ लेखकों से, चाइनीज़ साहित्य से हमारा मतलब जो हिंदी समाज है वो ज़्यादा परिचय नहीं है उसका। धारणाएं भी बना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ का भी साहित्य बहुत रिच है। और पिछले कुछ सालों से NBT सरकार द्वारा भी प्रयास चल रहे हैं कुछ आदान प्रदान के, कुछ अनुवाद के एक दूसरे से, उसमें हम लोग सक्रिय रहे हैं शुरू से। और मेरा मानना है कि हम एकमात्र प्रकाशक हैं जो कि NBT के साथ साथ अपने कुछ अनुवाद करते चल रहे हैं। सर, ज़्यादातर इन दिनों में क्या पढ़ा जा रहा है, आपने देखा होगा अपने अनुभव से? देखिए, अगर हम क्लासिक की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ बेस्ट सेलिंग की बात नहीं करते, क्योंकि बेस्ट सेलिंग का समय कुछ एक आध साल, डेढ़ साल रहता है, ठीक है। क्लासिक में प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, इनका समय जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। हार्डबैक्स हो सकता है कुछ बिकने कम हो गए हों, लेकिन पेपरबैक्स निरंतर उतने ही रफ्तार से बिक जाते हैं, ठीक है। और पेपरबैक्स में लोगों में खासी रुचि है, वैचारिक साहित्य है, ठीक है। वैचारिक साहित्य में किस तरह का, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सी ज्यादा बिक रही है? हमारी एक लोक चेतना सीरीज है, ठीक है, जिसमें कम्युनिस्ट साहित्य है ज्यादातर, हम वो भी अनुवाद ही है पूरा, ठीक है। जैसे कि छापा मार युद्ध लुई स्ट्रॉन्ग का है, और काफ़ी पुस्तकें हैं वो, लोगों को उसमें रुचि काफ़ी है। और रशियन वाले अनुवाद क्योंकि काफ़ी सालों से चल रहे हैं, तो लोग उनको पहचानने लगे हैं, स्वयं भी मांगने लग रहे हैं। जी, अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मुल्क वाली किताब, जैसे मुल्क में एक सांप्रदायिक माहौल हमें दिख रहा है, राइट विंग फोर्स भारू हो रही है, उसके बावजूद भी जो प्रोग्रेसिव साहित्य है, लेफ्ट साहित्य है, उसकी कितनी भूमिका आज भी है? देखिए, लेफ्ट साहित्य है ना, हमारे को सोचने पर मतलब मजबूर करता है कि जब हम चीज़ों से अलग हो के, कि धर्म सभी एक किसी ना, क्योंकि धर्म तो एक इंस्टीट्यूशन है, उस लोग उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा होगा अगर हम उसी धर्म में बंध के ही सोचेंगे, ठीक है। हमारे में एक सोचने की शक्ति है, लेफ्ट साहित्य देता है, ठीक है। हमारे में शक्ति देता है कि जो व्यवस्था चल रही है अगर उसमें कुछ खामियाँ हैं, तो बोलने और विद्रोह की और विरोध की जो शक्ति है वो आप में आए, और बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के समय में जब मतलब वो मतलब किसी की आलोचना भी, किसी की व्यक्तिगत मर्डर हो सकता है, मर्डर लिंचिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो एक बहुत मशहूर शेर है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, ठीक है। मतलब आप कह नहीं सकते आप कि कितने साल से यहाँ हो, स्टार लगाते? मैं भी लगभग 8-10 साल से। क्या क्या परिवर्तन आया है वर्ल्ड बुक फेयर में? बुक फेयर में देखिए, कुछ बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन वगैरह के सक्रिय हो जाने से हो सकता है थोड़ा इसमें गिरावट आई, क्योंकि हम लोग वैचारिक साहित्य में रुचि रखते हैं और इसका प्रकाशन करते हैं, इसलिए मेरे को नहीं हमारे इसके बिक्री में कोई वैचारिक साहित्य को प्रमोट करते, तो एक बड़ी चीज़ तो आपने पकड़ी नहीं, एंटर होते ही गोरखपुर गीता प्रेस का वो ने लगा हुआ है। हाँ। साधु बाबा लोग बहुत पहुंच गए। गीता प्रेस का भी बड़ा अपना योगदान है, गीता प्रेस को अगर हम देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका आंकड़ा जो 36 करोड़ कितना किताबें बेचने का आज तक का, वो भी एक मतलब एक वो भी प्रशंसनीय चीज़ है, ठीक है। वो अपनी जगह जहाँ कार्य कर रहे हैं अच्छा है, ठीक है। ऊपर सवाल ये है कि जैसे ये किताबों का मेला है, हर तरह की किताब आए, हम कहते हैं कि हर तरह के फूल खिले, लेकिन जैसे ऊंची ऊंची प्रचार हो रहा है भजन मंडली, क्या ये पाठकों को या आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन हो सकता है, देखिए हमारे मानने वाले 70 हैं, उनके भी हो सकता है हमसे ज्यादा हों, ठीक है। तो क्योंकि प्रजातंत्र है तो सबकी सोच मैंने NBT को 10 बार रिक्वेस्ट किया कि आप ये साधु संतों को अलग विंग बना दीजिए,
साहित्य के या जो वैचारिक साहित्य के या जो तरह तरह के अलग ढंग की किताबों को अलग कर दिए। तो क्या नाम है सर आपका? हरिश्चंद्र शर्मा मेरा नाम है, ताकि आपको पाठकों को भटकना ना पड़े और पता लगा कि शाम को 6 बजे नहीं कि साधु संत जो अपना घंटी बजाने लगते हैं, आरती उतारने लगते हैं, तो उसमें भीड़ तो डिस्टर्ब होती है ना, तो उससे मतलब हो तो उनका तो धर्म का प्रचार का काम है। अभी NBT कुंभ में मेला लगाने जा रही प्रयागराज, अब कुंभ में तो उन्हें वही साहित्य बिकेगा ना, सर्कुलर हमें भेज रहे हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, जबकि हमने सलाह दिया था कि अगर बनाना है तो वहाँ ढंग से कीजिए, कुंभ में आते हैं, जनता आती है, लेकिन उसके लिए साहित्य का जाना है तो मतलब उस ढंग का जाए जैसे सशस्त्र साहित्य मंडल की किताबें, अच्छी वैचारिक साहित्य की किताबें, नहीं कम्युनिस्ट साहित्य जाए तो कम से कम वैचारिक साहित्य जाए, गांधीवादी साहित्य ही जाए, लेकिन वो सोच नहीं है, तो एकदम से खिचड़ी पकाई गई इसमें। देखिए कैसे कैसे वो बने हुए हैं, गैलरीज बनी हुई हैं कि एक राउंड पे चल रहा आदमी बीच बीच की लेन में घुसी, बीच के घुस आप मेले के गेट में घुसेंगे पता लगेगा कबाड़ी की तरह दुकानें लगी हुई हैं। ये तो NBT रोक ही सकता था कि इस कबाड़ खाना मत बनाओ कम से कम इस दुकानदार इसको, बुक फेयर को इंटरनेशनल बुक फेयर है, बाहर का पब्लिशर आएगा तो क्या इमेज लेके जाएगा। एक चीज़ बड़ी कमाल की है, हम इंग्लिश वाले में जाएं तो वहाँ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि या हिंदी है या दूसरी भाषा है वहाँ गड़बड़ी लग रही है, कि ये क्या क्या कारण है इसका? नहीं नहीं, इस सवाल इंग्लिश में नहीं, आप गेट नंबर हॉल नंबर 11 में जाइए, हॉल नंबर 11 में जैसे घुसेंगे बाएं हाथ पे GBD का स्टॉल है जो चीन के साथ कोलाबरेट करके लगाया, उसके सामने 4 कबाड़ी लगे हुए हैं और ढेर लगाए हुए हैं, तो बेचारे वो चीन से जो आए हुए लोग क्या इमेज लेके जाएंगे वहाँ। तो एक वो नहीं, चीन में इन अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर लगता है, हम लोग हर साल जाते हैं, लेकिन वहाँ एकदम कॉपीराइट का खरीद बिक्री एक लगता है कि कल्चरल चल रहा है, यहाँ तो बाजार की तरह लगा हुआ, अगर प्रकाशक को सेल नहीं मिली तो कहेगा मेरा सब फ्लॉप गया, यहाँ तो कोई ये सोच भी तो कम है ना कि हम पाठक आ रहा देख रहा है, आज नहीं खरीद रहा तो कल खरीदेगा, हम क्या अच्छा से अच्छा लेके जाएं। अभी आप पूछ रहे थे अयोध्या पर हमने किताब लॉन्च की है जो शीतला सिंह की किताब है, जो जनमोर्चा के संपादक 87 साल के व्यक्ति हैं, परसों आए हुए थे यहाँ, अभी जनसत्ता में आज एक पेज उनके बारे में है, लेकिन उनको 87 साल के व्यक्ति को गेट से पैदल आना पड़ा है छड़ी लेकर के, किसी गेट से पैदल आदमी कैसे आ पाएगा, कोई व्यवस्था NBT के पास नहीं है, और कहेंगे तो कहिए हम गाड़ी भेज देते हैं आपको वहाँ गेट से लाएगी, कैसे गाड़ी ले आएगी एक आदमी को, तो मतलब अंग्रेजी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं, चूँकि अंग्रेजी में बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, कंपनीज हैं अंग्रेजी में बहुत सारी, हिंदी में कंपनीज नहीं हैं, हिंदी में ज़्यादातर व्यक्तिगत प्रकाशक हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बड़े हाईफाई शोरूम होते हैं, तो उससे वो लगता है कि बहुत भव्यता वहाँ ज़्यादा है, लेकिन कबाड़खाना वहाँ भी है। बहुत सारे ऐसे भी प्रकाशक हैं जिनको इस बार जगह नहीं मिली, रेट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, इसके बारे में? नहीं, जगह नहीं मिली, वो तो जगह तो सीमित हुई है, चूँकि हाल कम इनके पास प्रोवाइड हुए हैं, और पहले कुछ लोग सोचते थे कि आखिरी दिनों तक अप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बात जब जगह कम है तो उसमें तो रुक गया मामला ना, तो जगह कम हुई इनके पास, हाल कम हुए है, उसमें हैंगर हाल वगैरह दिए हुए हैं, महंगाई तो हर साल बढ़ रही है उसमें कोई बात नहीं है, पर 5,000 की जगह 15,000 रेट हो जाए, जो 12,000 की जगह 36 हो जाए, वो तो काफ़ी ज़्यादा। नहीं नहीं, इतना नहीं हुआ है, पिछली बार 60-65 हज़ार था, एक बार 67 हज़ार हुआ है, अब GST भी तो आपकी 2 साल से लग रही है, 18% तो वही बढ़ गया है, उसको सरकार से कौन, सरकार से विचार कर रही कि किताबों को GST से मुक्त किया लेकिन मेले को मुक्त नहीं किया है, ठेकेदार होता है इसको लगाने वाला, ठेकेदार से तो उसे GST देनी पड़ेगी, 18% GST कम थोड़ो होती है, बहुत होती है 18% GST, तो उस हिसाब से, लेकिन अभी ये चूँकि कंस्ट्रक्शन की स्थिति में प्रगति मैदान, इसलिए आने वाले लोगों को कष्ट हुआ, कहीं बैठने की जगह नहीं, किसी दोस्त मित्र के साथ बैठ इतनी जगह नहीं कि यहाँ 10 सोफा डलवा दें या कुछ बीच बीच में कुर्सी डलवा दें कि लोग बैठ लें, भटक रहे हैं जमीन पर बैठ के करने को, लेकिन मतलब उनके आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लगभग 1.5 किलोमीटर का पैसेज है जो कि आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा, पिछली बार तो शटल सेवा थी लेकिन इस बार आपको एकाध ई रिक्शा नामक चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब इतने लाखों की भीड़ में 1-2-3 रिक्शा का होना तो अच्छा नहीं लगता ना। आखिर में मैं पूछूं, पुस्तक थी ये रवीश कुमार जो NDTV में, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में इसके बारे में काफ़ी बड़ा लिखा है, हाँ हाँ, और यही मतलब ये अच्छी बिक्री इसकी, बहुत अच्छी संत, मतलब इसको पूछने वाले, अपने कैमरामैन को कहूँगा इस पर फोकस करें, और ये किताब मैं खरीद के लेके जा रहा हूँ आपसे, प्लीज़ धन्यवाद, ठीक है आप पढ़ेंगे तो बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।